अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, लगता हीरो कोई लंदन का। लौटिया लंदन से लाएंगे, वक्त पर डीजे बजाएंगे। हरी सुकुमाली नुम्बथमा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका। आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे और मैं तो बहुत ही ज्यादा ठीक हो जाऊंगी और भी ज्यादा, क्योंकि हम लगवा रहे हैं आज एयरटेल फाइबर नेपाल से आते ही, और यहां तक तार पहुंच गई है जो कि आप देख सकते हैं एयरटेल फाइबर की, यहां से वहां पर पहुंचेगी और अब मेरी वीडियो पोस्ट हो जाएगी एक दिन में 10-10, 20-20 जितनी भी। पहले तो मुझे 4K में नहीं कम करना पड़ता था, 1080 में। बहुत खुशी हो रही है। अब बहुत सोऊंगी और मैं इतना सोऊंगी ना, जैसे खाना बनाऊंगी वैसे सो जाया करूँ, क्योंकि मेरी वीडियो तो दिन में ही पोस्ट हो जाया करेगी ना। ये देखो जाने लगी है तार। भैया लोगों को पानी पिला दूं और दिखाती हूँ कहाँ से गई है तार। तो मैंने घुसाई है अपनी एसी से तार। वो देखिए, चेंज करना पड़ा यहाँ पर हमें। फाइनली दोस्तों पहुंच तो चुकी है तार, लेकिन अभी क्या कहते हैं उससे, अब मुझे तो पता नहीं है क्या। हाँ, तो यहाँ पर भैया जी है, भैया जी बताएंगे एयरटेल फाइबर से यहाँ रखे हैं। चलो भैया आप हमें ये बताइए एयरटेल फाइबर के क्या क्या सुविधा है। सुविधा इसमें आपकी ये है कि आप ये प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होगी इसमें, स्पीड आपको अच्छी मिलेगी इसमें और डेटा की कोई लिमिट नहीं है। कंप्लेंट के हिसाब से लेंगे क्योंकि हम तो ले रहे हैं सस्ता वाला, अभी फिलहाल इतना हमारे पास धन पैदा नहीं है, बस इतना वाईफाई लगवा ले रहे हैं और बस इतना है। मैं अच्छे से सो लूंगी और मेरी इतनी बड़ी भी नहीं होती है वीडियो की, मुझे कितनी कितनी जीबी की। वैसे भी अब तो हमें अनलिमिटेड मिलेगा, मैं आराम से पोस्ट करके सो जाऊंगी और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब तो वीडियो आप जब भी देखेंगे तब कहेंगे आप चार-चार वीडियो डाल दो, मैं चार-चार वीडियो डाल दूंगी दिन में। भैया पहुंच गई है हमारे यहाँ तार, हमारे रूम में हमारी एसी से आई है तार ये, और हम लगाएंगे यहाँ पर रूटर जो कि हमारा यहाँ पर डबल स्विच है, आप देख सकते हैं वहां पर एक ही है। और बाहर है तो बाहर तो मैं लगवाऊंगी नहीं, क्योंकि बच्चे लोग बहुत कुछ करते हैं ना, क्योंकि बाहर हम देख नहीं सकते, यहाँ तो हम देखते रहते हैं कि बच्चे कुछ करे ना। और अभी आने वाला है थंबनेल, फिर तो खिंचाऊंगी मैं डिंग लक लक डिंग डिंग दिखाऊंगा टीवी, अपनी वीडियो दिखाऊंगी। ये इनके पापा देखने के लिए नहीं देते, एक फोन है तो देख लेके इनके नहीं देते, क्योंकि डाटा खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके पापा को भी देखना है। अब मैं यही टीवी पे दिखाऊंगी, बिल्कुल फुल एचडी में देखना फिर। अब तो मजे है अलका जी के, रात में जागना नहीं पड़ेगा। सो रही थी सोते मम्मी कब से चिल्ला रही थी, अब पंखा तो इतनी तेज चलता है ना, सुनाई कुछ देता ही नहीं है। सो रही थी एक दूसरे से गुस्सा हो रहे थे, कौन आया जाओ ना देखो, ये मेरे से कह रहे थे जाओ ना देखो। भगवान वीडियो पोस्ट होंगी फिर, अरे अंदर धुंध क्या हूँ, फटाफट वीडियो पोस्ट कर दूंगी। तो ये हमारे भांजे नेत्र है, अब भी मैं होती हूँ मम्मी टीवी, मम्मी के पास भैया नाइट ही नहीं है, कहाँ से टीवी, अब दिखाएंगे एचडी में टीवी। सुनो एक बात तो और रहेगी, यहाँ पर हमारी माताजी बैठी हुई है, माताजी की धारावाहिक छूट जाती है दंगल में कभी, कौन से छूट जाती है। अरे दंगल में सबसे शुरू में कौन सी आती है, बिंदिया सरकार। अब एक तो बहू ऐसा होता है ना, बहू खाना नहीं बना पाती है जल्दी, खाना खिलाते हुए हो जाता है 9 बजी जाता है, तो वो छूट ही जाती है खाना खाते हुए। या खाना टाइम पे नहीं खाएंगे तो बहू कहेगी भैया खा ले, खाना खा लो फिर टीवी देखते रहना, आप छूट भी जाएंगे ना, आप टीवी में दिखा देंगे कौन सा पार्ट छूटा, कौन सा एपिसोड छूटा, कौन सा नहीं छूटा। प्लस उसमें वो न्यूज आता है वो अलग से मम्मी, तो समझ लो न्यूज उन्हें देखते हुए, तो आप न्यूज नहीं आएगा, 5 सेकंड का आएगा, 5 सेकंड का स्किप कर देंगे हम और देखते रहना फिर, और निकाल देंगे बाहर टीवी जब फंस पड़ जाएगी तब। बहुत खुश हो मेरे ना, सच बताऊं तो मेरे मुंह पर कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं रात पे अब आराम से सोऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना रात में जागने से ना खूबसूरती कम हो जाती है। पहले अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखोगे तो मैं सुंदर दिखती थी, नहीं दिखती थी सच बताऊं, और अब देखो मैं कभी कैसी हो गई हूँ, अब मेरी सुंदरता फिर से वापस आने वाली है और मैं थोड़ी पतली भी होने वाली हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे रात में ना जगना पड़ेगा तो मेरे सुबह में दौड़ के आ जाऊंगी, अब सुबह भैया नींद ही नहीं खुलती है तो दौड़े क्या, अब थोड़ी पतली भी हो जाऊंगी, डबल थोड़ी से अब एक थोड़ी बन जाएगी मेरी हो गया। अरे शाम बीतत जाए लेकिन अभी तक रूटर नहीं आया है, इंतजार कर रहे हैं हम
कहाँ पर हमारे भांजे कह रहे हैं चलाओ टीवी चलाओ टीवी चलाओ, और हमने सोचा कि आज आएंगे, हमने इन्हें सुबह ही दिखा दिया, डाटा पूरा खत्म हो गया, अब हम इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे, लेकिन नहीं आए और डाटा भी हमने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। तो आप देख रहे हैं अभी भी ऐसे ही फैली है, जैसी फैला कर गए थे वैसी फैली। चलो खाना खाते हैं फिर बाद में फिर देखेंगे क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों आज एयरटेल फाइबर हमारा लग जाएगा, 1 तारीख से, मतलब बोले तो 1 जून से। मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी जब तार आई थी तब, लेकिन उसके बाद मेरी खुशी पर रोक लग गई, क्योंकि भैया लोग आए ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए थे, कहीं काम से चले गए थे। एक तारीख तो हो गया, उतने में खुश हो गई, बोला शाम को लगा जाएंगे हम रूटर। शाम हो गई, रात हो गई, 2 तारीख आ गई, 3 तारीख आ गई, 4 तारीख आ गई, आज हो गई 5 तारीख। तो 5 तारीख को फाइनली आज लग रहा है रूटर। अरे भैया है ना, इतनी खुशी दिलाकर बिल्कुल मेरी खुशी पर रोक लग गई। कहाँ गए थे? किसी की तबीयत खराब हुई थी, वहाँ चला गए थे। अच्छा, तभी आज 5 तारीख होगी, इंतजार करते करते। और हमारे यहाँ पर देख नेत्र बैठे हुए हमारे भांजे, बेचारे कब से इंतजार कर रहे थे कि अब मैं दिन भर देखूंगा। भाई साहब आए नहीं थे हमारे जोड़ने वाले, हमारा काम रेडी था पूरा, वैसे हुआ जो हुआ। खड़े वहां से आए बेचारे, ये है खटीमा से और ये भी खट्टी मार से हमारे भैया, लेकिन यहाँ बनबसा में लगाते हो ना? हाँ, बनबसा में रखा है, और इनके दोस्त भी हैं जो जनकपुर पे करते हैं ना। मेरे दोस्त के बड़े भैया हैं। मैं खुश हूँ, आपको खुशी हुई नहीं हुई मुझे देख कर कि मैं अब रात में मुझे बिल्कुल नहीं जगना पड़ेगा, अब मैं दिन पे ही पोस्ट कर दूंगी चाहे जितने जीबी की हो। वरना अगर मेरे पास जीबी नहीं होती थी ना, मुश्किल से 2 जीबी आती है मुझे डेली के, दिन में, रात में मैं पोस्ट नहीं कर पाती थी, तो मुझे पता है घटाना पड़ता था। जैसे कि 4K हुआ तो मुझे 1080 में बनाना पड़ता था। और सच बताए आपको, ये सब आप लोगों की कृपा है जो कि मैं ये लगवा पा रही हूँ, वरना मेरी कहाँ औकात नहीं बोलूंगी, मेरी कहाँ हिम्मत थी लगवाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बहुत अच्छी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली। थैंक यू। जब भी खेलने के लिए आया करेंगे, दिन भर दिखाएंगे इनको टीवी। थैंक यू बोल दो एक बार। अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, जितना भी मैं कहूँ वो कम ही है। एक और सबसे बड़ी बात, भैया कहाँ क्या हो गया था? बोल रहे थे मशीन खराब हो गई थी, और सबसे ज्यादा इनकी वजह से लेट हुआ, मशीन खराब हो गई थी तभी नहीं आ पाए। मशीन खराब नहीं, हमारा काम दूसरी जगह चल रहा था ना। अच्छा, मतलब तो हमें तो बताया गया कि मशीन खराब हो गई है, बताओ। बहुत मतलब उल्लू बनाया गया हमें, इतने तीन दिन तक उल्लू बनाया गया, 4th दिन आए हैं। यहाँ पर आप देखिए जो तीन ये डंडे वाले है, थ्री बैंड बोलते हैं, डंडे डंडे कहेंगे इससे, और ये डबल वो लगा के गए हैं ताकि हमें नेट की प्रॉब्लम ना हो। लगाने को तो खाली ये भी लग सकता था, लेकिन भैया ने बोला ये ऑन लगा देते हैं। हाँ, ये अलग से लगा के गए हैं। थैंक यू। यहाँ पर चल भी, तो मैं एक चीज और बताना भूल गई, ये लगा कर गए हैं, और इसको तो इस साइड, ये मैं कैसे दिखाऊं, जो यही है ना ये वाला प्लग, इसी से सब कुछ कनेक्टेड है, और ये खराब हो गया तो अलग से मशीन आनी पड़ेगी, और हम कुछ करेंगे नहीं, और बच्चे कोई लोग भी यहाँ पर नहीं आएगा, बता रहे हैं हम पहले से। और टीवी कनेक्ट कर दिया क्योंकि अलग से बोर्ड ले आए घर पे ना, एक और बोर्ड था उसको उठा के हम ले आए हैं, और अब चलाते हैं टीवी अंधाधुंध। अब हम चला रहे हैं 8K अल्ट्रा HD में, जितनी भी हाई होगी उतनी हाई। हाँ, लगा के मैक्स 1080, आप देखो क्लियरिटी देखो आप। मम्मी तो कहाँ तो ये देखो दांत एक एक दिख जाएंगे आपको। चलो भाई अब इनको दिखा दे, कब से तोई बोल रहे हैं। नारी मनहारी सुकुमारी। दोस्तों आज 6 तारीख हो गई, क्योंकि रिश्तेदार आ रखे हैं और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो एंड करने का, और कल को इतनी आंधी तूफान आई ना, लाइट आई ही नहीं, इसीलिए मैं आज एंड कर रही हूँ 6 तारीख को, और मेरी वीडियो एडिट नहीं हो सकी क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं थी, बताना था ना आपको। और वैसे मैंने जैसे लाइट आई मैंने चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद सीधे मैंने कम्युनिटी पोस्ट की कि 8:15 में आपको वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पर देखो ये सो गए थे और देखने के लिए फिर जाग गए, क्या देखोगे बताओ ये देखो तो। चलो फिर ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो निकालती हूँ, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए, ठीक है इन्हें दिखाते हैं।
और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और एक और बार आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ आप लोगों की बदौलत है, मेरा कुछ नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।